शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुमसे बस ये अच्छी बस हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक समझौता था। याशी मेरी एंगेजमेंट की रिंग गिरा दी, क्यों करती है तू ऐसा? क्या होता है तुझे ये सब करके? सगाई होने तक अंजलि को यहाँ से दूर रखना होगा। अब कम से कम एक घंटे तक तो कोई नहीं आएगा यहाँ। माँ अब ये थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, ताऊ जी आने वाले हैं। नहीं अंकल, अब इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े दादू ने आकर फिर से वहम डाल दिया सबके मन में। तो ताऊ जी हमारे घर के बड़े हैं, उनका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मैं तो इस घर में किसी और काम से आया था, कहां पता था कि इतना बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। अब उससे मिले बिना तो यहां से हिलने का सवाल ही नहीं उठता। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। कैसे आए? यूं समझ लो तुम्हारे लिए। एक बात बताओ, तुम्हें बार बार किडनैप हो जाने की आदत है क्या? और इत्तेफाक देखो, इस बार फिर से मुझे तुम्हें बचाने आना पड़ा। चलो अब नीचे चलो, हमें नहीं जाना कहीं। अगर चलने में दिक्कत हो रही है तो मैं गोद में उठाकर ले चलता हूं। कहा ना हमें नहीं जाना कहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं जाना, जब मैंने कहा चलो तो चुपचाप चलो। नीचे सगाई की रस्म चल रही है और तुम्हें यहाँ अकेले बैठना है, भला मैं ये कैसे होने दे सकता हूँ? चलो नीचे चलो, चलो चलो चलो। लेकिन तब तक कुछ तो करेंगे, म्यूजिक बजाओ भाई, डांस वांस तो चले। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सपने में मिलती है,
सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी अखियों में फूल उसे तू पहचानती है उसे कौन है ये मुझे क्या पता यश का कोई दोस्त होगा शायद दोस्त होता तो यश के पास ही होता ऐसे जासूसों की तरह चारों तरफ घूर घूर के क्यों देख रहा है देख रही हूँ तुझे मैं कभी तू इधर देखता है कभी उधर देखता है आखिर है कौन तू एक सेल्फी हो जाए इतनी जल्दी भूल गई आप मुझे ये तो गलत बात है आपको पूरे एक मिनट मिलते हैं सोचिए और बताइए कि मैं कौन तब तक मैं यश से मिलकर आता हूँ आज उसकी सगाई जो है कहीं जाने की जरूरत नहीं है पहले ये बता तू है कौन मैं और कोई नहीं आपके परिवार के अतीत का कड़वा सच हूं गहरी सांस लीजिए सोचिए और बताइए क्या आप सच सुनने के लिए तैयार है बकवास बंद कर चुपचाप बता तू आखिर है कौन चुपचाप बताऊंगा तो आप सुनिए कैसे सॉरी तो क्या कहती हूँ बता दूं आपको सच सुनने के लिए तैयार है मैं हूं आपकी इकलौती बेटी प्रिया का इकलौता बेटा आदित्य कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो है कोई सबूत तेरे पास आपके सामने खुद जीता जागता सबूत खड़ा है फिर भी आपको यकीन नहीं ऐसे तो कोई कुछ भी आकर कह सकता है तुम कोई फेरुपिया भी तो हो सकते हो जो मेरी बेटी के नाम का फायदा उठाकर इस घर में घुसना चाहता हो मुझे लगा था कि आप अचानक अपने नाती को देखकर खुशी से पागल हो जाएंगे लेकिन आप तो अदालत लगाकर सबूत मांग रही मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जिसने अपनी बेटी से सच्चे दिल से प्यार नहीं किया वो मुझसे क्या करेगा देखो तुम दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था ना उसे अपनी गरीब बेबस लाचार मां को पाई पाई के लिए मोहताज होते हुए देखा है मैंने
दिन रात मेहनत कर उसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मदद करना तो दूर, आप लोगों ने कभी पलट कर ये नहीं जानना चाहा कि वो किस हाल में, क्या कसूर था उसका। उसका कसूर सिर्फ इतना ही तो था कि उसने अपने पसंद के लड़के से शादी की थी। हम पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, दीदी चलिए तो सही। कहानी नहीं सुननी मुझे, सबूत दिखाने को कहा मैंने, क्या सबूत है कि तुम प्रिया का बेटा है? कितने सबूत चाहिए आपको? सबूत दिखाता हूं, ये देखिए। ये भी कम है, ये देखिए। इसे तो पहचानती होंगी ना? कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों, गुलकर ने तो हमें ठहरा ही दिया था।
में रहे अंजलि। तू क्यों कर रही है ये सब? क्यों? क्या है तेरे मन में? आ क्या तू नहीं चाहती है कि मेरी और यश की शादी हो? मना किया था कि जब तक सगाई खत्म ना हो जाए तब तक यहाँ आने की जरूरत नहीं, लेकिन तू तो उल्टी खोपड़ी की पैदा हुई है। मर जाए तो जान छूटे। सोच समझकर बोलिए अलका भाभी। अगर अंजलि ने ऐन मौके पर पहुंचकर ऋचा को धक्का नहीं दिया होता ना, तो इतना बड़ा अनर्थ हो जाता आप सोच भी नहीं सकती। वो देखिए जरा, हैरानी होती कि अंजलि की तारीफ करने के बजाय आप लोग उसे खरी खोटी सुना रहे हैं। अंजलि तुम ठीक हो ना? ऋचा, अंजलि से माफी मांगो। मांगो माफी। सॉरी अंजलि। मेरी तरफ से भी सॉरी। सर में दर्द है, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। रुको अंजलि, मैं जानता हूं तुम सरदर्द का बहाना करके यहां से जाना चाहती हो, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि तुम यहां रुको, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुकोगी तुम। जो हुआ सो हुआ, लेकिन रस्म में विघ्न नहीं आना चाहिए। हाँ? चलो और चलो। प्रिया पाए, बेफिक्र रहिए, बहुत जल्द मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवा दूंगा। नानी जी, नाना जी भी आ गए हैं। तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? सब आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ जी, चलिए अब रस्म शुरू करते हैं, आइए। जी वो आप कुछ परेशान थे ना? तुम दोनों मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। ताऊ जी आ गए।
से सब ताऊ जी का इंतजार कर रहे थे और वो तो सीधा अपने कमरे में ही चली गई। अभी तुम नाना के सामने मत जाना, तुम जाओ, सही वक्त देखकर मैं तुम्हें फोन करूंगी। नहीं नानी, इस घर में मेरी जिंदगी है, उसे लिए बिना मैं कैसे जा सकता हूं। ताई जी, ये ताऊ जी सीधा ऊपर क्यों चले गए? हम इतने देर से उनका इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे तो सगाई की रस्म शुरू होगी। पता नहीं, कुछ तो उनके दिमाग में जरूर चल रहा है। पता नहीं अब कौन सी बात हुई। पहले केक काटेंगे, उसके बाद अंगूठी पहनाने की रस्म होगी। सुनो बेटा, वो लड़की जो थाल सजा रही है उसका नाम क्या है? ओ, अंजलि दीदी। अंजलि, मेरी अंजलि। अंजलि मेरी पत्नी है और अपनी पत्नी के होते हुए किसी और रिश्ते के बारे में सोचना भी पाप है। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।